समिति का जन्म तब हुआ जब कारगिल की लड़ाई हुई और गोरखा जवान का डेड बॉडी दिल्ली में आना था, तो उनके रिश्तेदार और जो साथी आए उनको बॉडी भेजने में, लाने में, हर एक चीज का मदद गोरखा शहीद सेवा समिति ने किया। तो उस टाइम नेशनल प्रेसिडेंट एंड्रू गुरुंग, उनका आइडिया था इसको एस्टैब्लिश किया जाए। उसके बाद हमने कई कार्यक्रम किए, जैसे कि ब्लड डोनेशन, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए मदद, हार्ट ऑपरेशन के लिए मदद, और बाकी मल्टीनेशनल कंपनी से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू ये कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। गोरखा जैसा बहादुर और निडर सोल्जर इंडिया में नहीं है। वो बोलते हैं दुश्मन क्या, रणभूमि भी कांपती है जब गोरखा सोते हैं। गोरखा ने अपने लहू से सुनहरी अक्षरों में इतिहास रचा है। भारत का मिलिट्री हिस्ट्री इसका गवाह है। गोरखा लोगों ने जो अपना सेवा करते हुए अपना जान निछावर कर दिया और बहादुरी के नए मुकाम काबिल किए हैं, इसको पूर्ण करने के लिए 10 एकड़ जमीन सिलीगुड़ी में, जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है, वहां पर एक भव्य मेमोरियल हम बनाएंगे और जिसमें कि म्यूजियम होगा और वहां पर लाइव शो होगा जिसके अलग अलग बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। स्किल ट्रेनिंग सेंटर होगा वहां पर, ओल्ड एज होम होगा। हम चाहते हैं कि जो 1.85 गोरखा इंडिया में है और टोटल 11.5 करोड़ देश के बाहर हैं, फिलीपींस, हांगकांग और बाकी दुनिया, ब्रिटेन में काफी जगह पर है, वो लोग सब इसमें तात्पर्य हैं। तो अगर वो $1 भी देते हैं तो ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। इसके अलावा काफी कॉर्पोरेट हाउसेस, हमारे जो मंत्री हैं जॉन बरला, उन्होंने ये बोला है कि भव्य रूप से इसका इसमें मदद किया जाएगा। तो ये मेमोरियल जब बन जाएगा तो वर्ल्ड का हेरिटेज मेमोरियल होगा, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट में है, इसमें काफी टूरिस्ट लोग आएंगे और टूरिस्ट से रेवेन्यू इकट्ठा होगा, जिससे जो वॉर में वोंडेड होता है और वो घर में आ जाता है, उनकी फैमिली को देखना पड़ता है, उनके बड़े लोगों को देखने के लिए पैसे का जो सहयोग है वो गोरखा शहीद सेवा समिति, गोरखा प्राइड मिशन के थ्रू काम करेगा। इसमें आप सब लोगों का हार्दिक सपोर्ट और प्यार और भगवान से प्रार्थना कि ये मिशन सक्सेसफुल हो, ये मैं चाहता हूँ। ये म्यूजियम अभी किस स्थिति में है, कहाँ तक बना है, कितना है? ये इसमें आप ब्रोशर देखेंगे, ये डिजाइन हो रखा है। पिछले बार हमने फंक्शन किया था तो TMC के मिनिस्टर आए थे गौतम देव, ममता बनर्जी से बात हुआ, उन्होंने बोला कि जमीन देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी जमीन देने के लिए तैयार है। तो हम चाहते हैं कि ये जमीन जब आ जाएगा फिर इसको फंडिंग करेंगे। तो इसमें MP भी 50 लाख के करीब दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, बाकी कॉर्पोरेट लोग भी दे रहे हैं और आम आदमी भी चंदा दे रहे हैं। और ये फंक्शन का सबसे बड़ा चीज है कि ये फंक्शन में कोई चीफ गेस्ट नहीं है, जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब चीफ गेस्ट हैं, सभी मेंबर हैं। हम इस प्रकार से ये प्रोग्राम करना चाहते हैं 2 दिन के लिए। इसमें आर्मी का बैंड होगा, पाइप और जैज बैंड, जो 2 दिन चलेगा। नेपाल दार्जिलिंग का बेस्ट म्यूजिक बैंड वहां पर है। नॉर्थ ईस्ट के सभी चैनल, गोरखा चैनल इसको सपोर्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, और काफी लोग हैं जो अलग अलग चीज बोल रहे हैं, ये काम हम करेंगे, ये काम करेंगे, इसीलिए ये आसानी से हो जाएगा। और ये ऐसा चीज है कि आपके मन को छूने वाला चीज है। जब आप आराम से अपने घर में सोते हैं तो आप निश्चिंत सोते हैं, क्योंकि रात भर सियाचिन में, बर्फ में, रेतीले इलाकों में, जंगलों में हमारे जवान तैनात हैं और भारत का सुरक्षा कर रहे हैं। और उनका मेमोरियल रेज करना, उनको याद दिलाना और हिस्ट्री को बताना कि इसका क्या खूबी और काबिलियत है और इसको हमको याद रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए मेरा सवाल था, अभी तक कितनी किस स्थिति में है, कितना तैयार हुआ अभी? नहीं, तैयार नहीं हुआ। लैंड देना है उन्होंने 10 करोड़, और हम उसके बाद 10 एकड़ लैंड देना है और उसके बाद फंडिंग आएगा। काफी लोगों ने बताया स्टेज में कहीं MP इंटरेस्टेड है, जवान इंटरेस्टेड है, यूनिट इंटरेस्टेड है, सब लोग दे रहे हैं। लैंड का जगह सिलीगुड़ी में होगा लैंड। लैंड को देख लिया गया? नहीं, लैंड गवर्नमेंट ने हमको एश्योर किया कि लैंड देंगे। तो उन्होंने ईयरमार्क किया 3-4 जगह, हम देखेंगे उसको, फाइनलाइज करेंगे और इसको टेक ओवर करेंगे। ये 2023 में इसको टेक ओवर करके कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए 2 साल लगेगा टाइम।
क्योंकि हर एक जवान जो मरा है उसका प्लैक लगेगा वहां पर, और प्लैक लगेगा, और परमवीर चक्र, महावीर चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल और सेना मेडल जो है, इनका बैटल का डिस्क्रिप्शन भी होगा कि कहां पर कौन सी जगह पर मरे, किस प्रकार से करें, ये चीज का होगा। उससे ऐसा होता है कि ऐसे जगह पर जाने से आदमी के दिल में एक फीलिंग होता है देश के लिए, वो हम जनरेट करना चाहते हैं। इट्स अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट इज, दिस इज टोटली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वी आर नॉट चार्जिंग एनी मनी। आई लेफ्ट द आर्मी इन 2002, आई वाज टू बिकम अ ब्रिगेडियर, आई लेफ्ट, माय मदर वाज सफरिंग ब्लड कैंसर, देन आई वाज 7 years प्रेसिडेंट इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, 2 years इन सत्यम, देन आई वाज प्रेसिडेंट इन AT&T एंड सीनियर एडवाइजर फॉर इंडिया फॉर 2 years। During this time, whatever money we have earned from our personal saving, we contributed to this cause, and we have been working free for this. Nobody takes even one paisa salary for any activity. If we're flying, we fly on our own. If we're going to hotel, we book the hotel. We are not on the organization at all. And everybody, people who have joined are people like this. तो उसके मुताबिक दार्जिलिंग में आना चाहिए, उससे भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो दार्जिलिंग तो पूरे गोरखा ही हैं, सिलीगुड़ी में तो बंगाल कॉम्पोनेंट भी था, इसलिए आएंगे आएंगे जाएंगे, उधर भव्य अरेंजमेंट कर रखा वहाँ पर चौरस्ता दार्जिलिंग में। आपने सवाल पूछा, हमको अच्छा लगा, धन्यवाद। और भी कोई भाई, कोई Chaurasta is a big place, there is a ground, that's the place, and that has been given compliment by the DM of Gazi. Second thing is, this is the second time you are organizing this. Amar Divas we are organizing for the second time, because before Corona we had done it, after Corona we have not done it, keeping in view the government guidelines and the health parameters that people are not affected. Now situation has become better, so we are launching this 2-day function in Darjeeling. And then there will be a mashal which will be lit, and it will be carried by a war widow or a war veteran, and it will be going to all the places in India. And this please, martyrs, yes, I think there are few in number which can be counted. You yes. have that number? Yes, we have the details of it, and based on that we will be framing the memorials. I'll just show you. You see, this is the memorial. If you see, just open your page. This is the memorial where it is there. So it has the internal structure has the place for writing the epitaph for bravery. On the sides are the places which is delineated before 47, after 47, 60, 62, 65, 71, Kargil operation, like that. Any other questions? Have I clarified you, sir? Thank you. No, I just wanted the numbers. You have any numbers? Then we have the numbers offhand. I may not be able to tell you exactly. Our data is there. I can take and give it to you. And this, you have this head office in New Delhi? In Colombo. Yes. Thank you. You're most welcome to shoot a mail or call me on my WhatsApp. I'll be too happy to answer. And once we finish our celebration, again we'll have a press conference so that we tell everybody about it. आपके इस प्रोग्राम में दिल्ली से केंद्र सरकार से कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन जा रहा है? केंद्र सरकार से यूनियन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स जॉन बरला, एंड ही इज द एमपी फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी, एंड राजू बिस्टा इज द एमपी फ्रॉम दार्जिलिंग, ही इज ऑल्सो एक्टिवली इन्वॉल्व्ड एंड ही इज सपोर्टिंग दिस मिशन। ओके, have I answered your question, sir? This head office is since when? This head office is for a long time. Actually, the national president, Andrew Groom. Andrew Groom is the national president of this thing. It is his office. So we are using it. We are also having an office in John Barla's house. There are 2-3 rooms are there. Conference room is there where activity takes place. And a lot of people are supporting this. Even before we ask, only people are doing it. But they are understanding that the purpose of it, the way we are working and all that. It's totally transparent. We have no interest, personal interest in this. It's all totally, it gives us tremendous satisfaction. I'm 68 years old.
I served in the army for 3 decades and about 10, one decade in the corporate industry. I think it is time for me to repay to the society before I say goodbye. So that is the aim. Sir, in your work, आर्मी कितना सपोर्ट कर रही है और आर्मी ऑफिसर्स कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, वहां से कोई पार्टिसिपेशन मिल रहा है? पूरा पार्टिसिपेशन मिल रहा है सर। मैं आपको ये बताऊं कि जो जनरल बिपिन रावत थे, जो सीडीएस थे, वो मेरे स्क्वाड के थे, मेरे से 2.5 साल जूनियर थे एनडीए में, तो मेरे को बहुत रेस्पेक्ट करते। मैंने आर्मी छोड़ दिया था जब मैं 48 ईयर्स का था, मेरा 12 साल नौकरी बचा था। आई लेफ्ट इट बिकॉज माई मदर वाज सफरिंग फ्रॉम ब्लड कैंसर। सो वो पूरा सपोर्ट करते हैं सर, हमको जानते हैं, हमारे नीचे करे हुए आर्मी कमांडर काफी लोग हैं, जिसको बोले वो हर तरीके सपोर्ट करते हैं। आर्मी बढ़ चढ़ के सपोर्ट करता है, जो बोले वो करते हैं। फाइनेंशियली या ऑफिशियली? फाइनेंशियली या ऑफिशियली? नहीं, जो भी बोलते हैं वो कर देते हैं सर, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी मतलब हमारे को बोलना ही है। जैसे आई विल टेल यू स्मॉल एग्जांपल, आर्मी वाज टू प्ले द बैंड, द बैंड वाज टू चार्ज 20,000 rupees। सो आई जस्ट स्पोक टू सम ऑफ माय, जब मैं यूनिट कमांड कर रहा था, मेरा सेकंड लेफ्टिनेंट दोस्त से बात किया, वो लेफ्टिनेंट जनरल है, उसने बताया, उसने उन्हें फटाफटा हमको मैसेज आ गया कि सर द बैंड इज फ्री, बिकॉज बैंड इज नॉट प्लेइंग फॉर माय डॉटर्स वेडिंग, इज प्लेइंग फॉर द हीरोज। ये कैंपेन कब शुरू किया आपने? हैं, ये कैंपेन कब शुरू किया? ये कैंपेन गोरखा शहीद सेवा समिति का 11 साल हो गया सर, आई एम चीफ पैट्रन ऑफ गोरखा शहीद सेवा समिति फॉर द लास्ट 11 इयर्स। तो 11 साल से अभी तक का आपका क्या प्रोग्रेस रहा? नहीं, गोरखा प्राइड मिशन जो है वो अभी हुआ है सर, जिसमें हम मेमोरियल बनाने का हमने सोचा भी, तो उसमें खाली 3-4 महीने हुए हैं सर, जिसमें कि हम शुरू में करा था हमने कोरोना से पहले, उस टाइम ममता बनर्जी से मिले थे और गौतम देव जो मिनिस्टर थे वो आए थे और पूरा उन्होंने मदद, फिर ये कोरोना की वजह से रुक गया था। जब कोरोना खत्म हुआ, थोड़ा हम लोग आपस में ऐसे मिल पाए, तो ये दोबारा हमने बोले इसको स्टार्ट करते हैं और इसको उम्मीद है आपको कितने दिनों में हो जाएगा, एक दो साल में या कुछ ज्यादा लंबा टाइम लगेगा? ये ऐसा है सर कि 2023 में हमको जमीन मिल जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन के लिए 1 से 1.5 साल लगेगा, तो मेरे विचार में 2024 दिसंबर तक ये पूरा हो जाना चाहिए और उसको बाद में डेवलपमेंट कर वो चलता रहेगा। कितना फंड लगने की संभावना है आपको इसका? सर हम इसका फंड का ऐसा है कि कितना हमको चाहिए उसके मुताबिक हमारे स्पॉन्सर को बताएंगे तो वो दे देंगे। जैसे एमपी है, उन्होंने बोला 50 लाख हम देंगे, तो हमने बोला हमको अभी नहीं चाहिए, जब हमारे को जरूरत पड़ेगा तब देना है। स्टेट गवर्नमेंट को देगा? स्टेट गवर्नमेंट कर रहे सर, ममता बनर्जी ने पूरा सपोर्ट किया इसके लिए, उनके मिनिस्टर आए थे लास्ट टाइम चीफ गेस्ट। नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट? नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहे हैं सर, नॉर्थ ईस्ट गवर्नमेंट सिक्किम के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं और आसाम से जो हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन आ रहे हैं, अलग अलग जगह से जहां पर से हमारा मिलाप हो रहा है। जैसे इट इज बाय वर्ड ऑफ माउथ सर, वी आर नॉट डूइंग एनी प्रोजेक्ट। आपने किसी को बोला ये अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनसे बोल रहे हैं तब आ रहे हैं, तो हम वी आर नॉट डूइंग एनी पीआर कैंपेन टू दिस थिंग, वी आर जस्ट टेलिंग आवर हार्ट सिंपली एंड टेलिंग। 1 लाख लोग जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी व्यवस्था क्या और कैसे हो रही है? देखो जो भी, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैंने बुक किया होटल उधर, तो मैं अपना होटल का बिल मैंने दे दिया, प्लेन का टिकट मैंने लिया, मैं प्लेन का टिकट दे दिया। जो भी जा रहा है ये लोग अपना सब टिकट दे रहे हैं, कोई हमारे ऑर्गेनाइजेशन से 5 पैसे किसी के लिए खर्च नहीं कर रहे। हमने क्लियरली बोल दिया भाई ये सोशल कॉस्ट के लिए, ये किसी का वो करने के लिए नहीं है। जैसे मैं अभी आया हूँ अपने घर से, अपने मर्सिडीज को चला के लाया हूँ, ड्राइवर को भी नहीं लाया, करके आया हूँ, मैं जाऊँगा सर, जब जाएंगे साथी हमारे उनको छोड़ देंगे, है ना, और ऐसे सहयोग से चल रहा है सर, क्योंकि वी आर सेइंग दैट कि भगवान के कंप्यूटर में वायरस नहीं है, तो हम जो काम करेंगे वो सही नजर आएगा, तो आपका प्यार और श्रद्धा रहेगा और हमारा नियत सही रहेगा, तो ये काम में मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। लैंड हैज बीन ईयरमार्क्ड सर, वी हैव टू सी द लैंड एंड अप्रूव, दे हैव टोल्ड 10 acres विल बी गिवन सर, गवर्नमेंट हैज टोल्ड 10 acres विल बी गिवन।